हाय वन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड है आईब्रोज से जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं जॉब करते हैं जो मदर्स ऐसी हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं आईब्रोज करवाने के लिए तो ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू कि आप अपने आप खुद से आईब्रोज घर में कैसे कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल परफेक्टली कोई भी इस टेक्निक को फॉलो करके आईब्रोज को बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकता है बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एंड मेक श्योर कि आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखें सो so दैट कि आप कोई गलती ना करें क्योंकि इट्स अबाउट अगर हमारे खराब हो जाते हैं तो हमारा फेस बहुत गंदा लगता है और यही आईब्रोज अगर अच्छे से नीटली क्लीन हो और उनको हमने अच्छे से फिलअप किया हो तो हमारे आईब्रोज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं अगर आप इनको एनहेंस करके रखते हो ना तो आपको मेकअप करना नहीं भी पसंद है जस्ट एक लिपस्टिक अप्लाई करिए एंड यू आर गुड टू डि

चेहरे के ऊपर कोई क्रीम नहीं लगी होनी चाहिए आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए तो अगर आपने लगा भी रखी है तो आप ऐसे कोई भी वाइप्स ले लीजिए और अपने फेस को एक बार क्लीन कर लीजिए जैसे कि अभी मैं करने लगी हूँ इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू वॉश योर फेस यू कैन जस्ट सिंपली क्लीन विद द हेल्प ऑफ द वाइप्स खास करके अपने आईब्रोज के पास आपको अच्छे से इसको क्लीन करना है चेहरे को थोड़ा सा ड्राई आउट होने देती हूँ आईब्रोज को बनाने से पहले आपने क्या करना है अपनी जो आईब्रो की शेप है ना उसको थोड़ा सा इनहेंस कर लेना ताकि जो भी एक्स्ट्रा हेयर है वो हमें हाईलाइटेड होकर दिखे कि कौन से हेयर हमें प्लक करने हैं मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ मुझे अपने लिप्स ना ड्राई लग रहे हैं बैठी हुई भी अच्छी लगूंगी बात करती हुई आप कोई भी अपनी चॉइस की आईब्रो पेंसिल ले लीजिएगा उसकी हेल्प से आपने अपने ब्रोज को हाईलाइट कर जिस तरीके की भी शेप आप रखना चाहते हैं उस तरीके से आप अपने ब्रोज को मार्क कर लीजिए जैसे अभी मैं करने लगी हूँ आप देख लीजिए जब भी मार्किंग करनी है तो पहले अपने ब्रोज़ को ऐसे थोड़ा सा कॉम कर ले ठीक है ताकि हमें प्रॉपर शेप दिखे ठीक है और हमेशा आपने एक्स्ट्रा ही मार्क करना है क्योंकि वैक्सीन स्ट्रिप है उसको हम थोड़े दूर रख के ही चलाएंगे ये देख एक्स्ट्रा बाल हैं लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही कवर करूँगी पेंसिल की हेल्प से ये जो एक्स्ट्रा है मैं उनको भी ले रही हूँ जो बिल्कुल ब्रोज़ के साथ हैं ताकि वो बाल मेरे ना निकलें ये देखिए ये मैंने ऊपर से भी एक्स्ट्रा मार्क कर लिया इसको थोड़ा सा आप डाक कर लीजिए आगे से भी अब ये जो बाल है ना ये निकालने हैं अगर आपको इससे नहीं पता चलेगा तो आप ब्रो पोमेड यूज़ कर लीजिए या कोई भी और डार्क कलर यूज़ कर लीजिए लेकिन आप इसको मार्क जरूर करिएगा क्योंकि ये मेन स्टेप है आईब्रोज को बनाने का अब मुझे ये एक्स्ट्रा बाल ही निकालने हैं इससे क्या होता है जो आईब्रो का शेप है वो ख़राब नहीं होगा और उल्टा बहुत सुंदर निखर के आएगा अभी आपको मैं दिखाती हूँ और स्टार्ट करते हैं पहले मैंने वीट की वैक्सिंग स्ट्रिप ले ली है इस वैक्सिंग स्ट्रिप को काटने से पहले हमने क्या करना है इसको अच्छे से वार्म अप करना है अब सीजर लेना है हमने और ये जो एक्स्ट्रा है ना इसको पहले काटना है अब मुझे काटनी है सिर्फ इतनी सी चौड़ी स्ट्रिप ये जो स्ट्रिप मैंने काटी है ये मैंने ऊपर यहां रखने के लिए काटी है ठीक है इतना ही चौड़ा आपने काटना देख लीजिए ये सिर्फ इतना सही है इस उंगली का भी आधा ही है ठीक है आज जो दूसरी स्ट्रिप हमने काटी वो इससे भी कम चौड़ाई में काटनी है हमने और इस तरीके से इसको भी आप पूरा काट लीजिए पूरा काटने के बाद ऐसे पकड़ के सेंटर में से काट देना है ठीक है या आपको भी मैं बताऊँगी कि कहाँ यूज़्रिप्स काटिंग जरूरत हैं कई बार एक स्ट्रिप में काम हो जाता है इसको भी हम दोबारा से वार्म अप कर लेते हैं खोल देना है ठीक है अब मैंने यहाँ पर रखी स्ट्रिप यहाँ ऐसे देख लीजिए मैंने बिल्कुल बॉर्डर पे रखी है ठीक है इसको बहुत हल्के ज़्यादा दबाना नहीं है इसको बहुत हल्के हाथ से मैंने ऐसे किया सिर्फ यहाँ तक लगानी नीचे नहीं लेके जानी और यहाँ ध्यान रखना है यहाँ कोई बाल न हो अगर आपने बैंड लगाना था बैंड भी लगा सकते हैं ऐसे किया थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच किया और कर दिया ये देखिए और उसके बाद इसी स्ट्रिप को लेना है ये बालों को पीछे की तरफ ही रखना है वैसे तो मेरे ऑलरेडी पीछे हैं यहाँ ठीक है सिर्फ ऐसे ज़्यादा नहीं दबाना यहाँ से स्ट्रेच ऐसे अब आप खुद देखिए इसने ये चीज़ मेरी कितनी क्लीन कर दी है सिर्फ एक स्ट्रिप से इसी स्ट्रिप को मैंने यहाँ रखना यहाँ पे ज़ोर से दबाना है ये जो बाल थोड़ा डीट होते हैं तो इनको ऐसे खींच लेना है ये देखिए अब आपको लगता है कि अगर आपका कोई बाल रह गया तो इसको दोबारा से रख लीजिए यहाँ पर आप रख सकते हो दोबारा से अब इसको थोड़ा ज़्यादा दबा लीजिए क्योंकि एक बार उसका जो मटीरियल है उसने काम कर दिया थोड़ा कम होगा इसमें स्ट्रेंथ ये ना यू कैन सी बस इससे ज़्यादा नहीं ये काम वैसे और कर सकती है लेकिन अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ अब मुझे काम करना है अपने नीचे वाले पार्ट पे मैंने क्या करना है ये जो दो छोटी स्ट्रिप्स काटी थी हमने इसको लिया वॉर्म अप किया थोड़ा सा ओपन ये जो है इसको सीधा करके रखना उल्टा करके मत रखिएगा नहीं तो चिपक जाएगा मेरा एक चिपक गया इधर ये बाल दिख रहा है ना आपको नीचे ये इनको टारगेट करना है मैंने अपने नेल से ऐसे कर लीजिए बड़े ध्यान से करना है ये अब मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिप को चिपका देना है पहले सिर्फ इतनी सी जगह पे ही हमने काम करना है यहाँ पर आप नेल की हेल्प से उंगली की हेल्प से जरा जरा सा इसको दबाइए आप इसको स्ट्रेच ऐसे करके खींच देना ना यू कैन सी ये वो बाल आए हैं जो एक्स्ट्रा थे बाकी देखो लाइन वाले सारे लाइन के बीच में ये जो मैंने मार्क करे हैं इन ब्रोज को ऐसे ऊपर उठाना है मुझे देखना है कि कौन से बाल रह गए ऐसे करके मैंने स्ट्रिप लगानी देखो मैं तीन हिस्सों में बांट लिया इसको ठीक है यहाँ पे ऐसे पकड़ना है ऐसे खींच लेना है बहुत सारे बाल आए हैं और साथ में कलर भी आया है अब ये जो बाल है बड़े वाला इसको हम प्लग कर से निकाल लेंगे ठीक है अब ये जो बाल है यहाँ पे मैं छोटी स्ट्रिप ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने ऐसे इसको रख दिया और ऐसे इसको स्ट्रेच करना है और खींच देना अब ये देखिए इसने जितना भी बाल था वो सारा उतार दिया और देखिए कितना क्लीन हो गया यहाँ पे और ये जो बाल है आपको देखा ये एक्चुअली प्लक्कर से निकल जाएगा तो इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी स्किन वैसे ही है ना यहाँ पे बहुत पतला स्किन होता है तो हमें ज़्यादा भी नहीं लगाना है यही वाला स्ट्रिप हम ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर सिर्फ़ एक बार ही स्ट्रिप लगाना है जितने आगे आगे अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए अच्छे से दबा लीजिए क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ़ और एक बार ही स्ट्रिप को अप्लाई करना है और बहुत अच्छे से ऐसे करके स्ट्रेच करा और खींच दिया बस ज़रा बहुत कम बाल होते हैं यहाँ पर तो इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है एक बार मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ वेट वाइप से वैसे तो ऑयल से क्लीन करना है अब देखिए वेट वाइप से क्लीन करने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो बाल है मेरा ये एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे इसको लक्कर करके हेल्थ से निकालेंगे उसके बाद अगर कोई बाल रह जाएगा तो हम दोबारा से इसको वैक्स कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा बाल है ना उसको आप प्लक्कर करके हल्द से निकाल लीजिए क्योंकि जितने भी छोटे छोटे बाल हैं वो तो निकल गए हैं ये अगर जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बाल अगर आप इस पर दोबारा स्ट्रिप लगाना चाहते हैं तो एक बार लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है फिर आप अवॉइड करिए नहीं तो आप लगा सकते हैं जैसे कि मैं लगा लेती हूँ दो तीन बार मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है यहाँ ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा और होगा ना वो सब निकल जाएगा अंडर रूट होते हैं ना जो बाल बहुत ज़्यादा वो तो शायद ना निकले लेकिन ऐसा क्लीन क्लीन ही बिल्कुल हो जाएगा श्योर कर लें कि आपका कोई एक्स्ट्रा बाल इस पर चिपका ना हो अब इसको ऐसे रखा लंबा ताकि ये सारे बाल निकल जाए और ये फाइनल हमारा स्टेप है और एक बार इसको मैं रख रही हूं ताकि मैं अपना फाइनल स्टेप आपको दिखा सकूं इस स्ट्रिप को ऐसे रखना है ताकि इधर के भी जो सारे बाल है वो निकल जाए छोटे छोटे बाल रह गए हैं वो भी निकल जाए लुक दिस इज द क्लीन ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है अब अब मैं इसको क्लीन करके दिखाती हूँ इसमें अवेलेबल होते हैं ये वाइप्स मिलते हैं ऑयल डिफ्यूज़्ड होते हैं इसको आपने काट के यूज़ कर लेना हर बार जैसे पूरा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है मैं थोड़ा से काट लेती हूँ दिखा देती हूँ मैं कैसे यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी देर तक चल जाता है जैसे ये ऐसे फोल्ड में आते हैं है ना तो मैं इसको ऊपर से ऐसे काट लेती हूँ क्योंकि मुझे पूरा चाहिए ही नहीं है तो मैं वेस्ट भी क्यों करूं और ये लगाना बहुत ज़रूरी है अगर बाय चांस आपके पास ये ना अवेलेबल हो खत्म हो गए हो तो आप सिंपल ऑयल भी लगा सकते कोई भी ऑयल लगा लीजिए और उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं अभी मैं इसको यहाँ से ऐसे बहुत ही अभी तो आपको थोड़ा सा जलन महसूस हो सकता है लेकिन दैट इज वेटी मच नॉर्मल ठीक है अब मैंने इसको यहाँ से ऐसे क्लीन करा है देखिये अब आपको जल्दी से दूसरा आईब्रो करके दिखाती हूँ इसके बाद एक फाइनल स्टेप है जो आपको करना जरूरी है देन आपके जो आईब्रोज हैं, वो डन है चलिए मैं पहले इस आईब्रो को भी कर लेती हूं As you can see now कि जो ब्रोज हैं, वो बन चुके हैं विद द हेल्प ऑफ these स्ट्रिप्स विच इज़ वेरी इजी और इसकी हेल्प से आप डिफरेंट शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल शार्प भी कर सकते हैं मोटी भी रख सकते हैं पतली भी रख सकते हैं इट इज ऑल डिपेंड कि आप कैसे करते हो किस तरीके से आपको स्ट्रिप्स को रखना पड़ता है कि एक प्रॉपर शेप आपको मिल जाती है एंड पैसे भी कम खर्च होते हैं ये स्ट्रिप्स तो बहुत ज्यादा लंबे तक समय तक चलती है ये एक स्ट्रिप देखो भी मैंने कितनी यूज करी है मैंने ज़्यादा ही यूज करी मैं इतनी ज्यादा यूज नहीं करती हूँ क्योंकि शायद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ थोड़ा ज्यादा मैंने स्ट्रिप यूज़ करा है ताकि बिल्कुल अच्छे से हो और क्योंकि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देना था और मुझे था कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए तो अभी देखो आधे से ज्यादा स्ट्रिप मेरी अभी भी बाकी है अगर आप चाहें तो आप अपना फ़ोरहेड भी कर सकते हैं अपर लिप्स भी कर सकते हैं इवन यू कैन वैक्स योर फेस विद दीज स्ट्रिप्स अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है दैट इज आइसिंग आइसिंग जरूर करनी है चाहे टू मिनट्स के लिए करनी आइसिंग जरूर करनी है मैं तो डायरेक्ट आइस अप्लाई कर लेती हूँ अगर आपको दिक्कत होगी हो तो आप इसको कपड़े में लपेट के भी अप्लाई कर आप आइसिंग जरूर करिएगा इससे जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे स्पेशली अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं नहीं तो पिम्पल्स होने का डर रहता है एंड uh, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक हार्ट डाल देना एक सिर्फ एक हार्ट सिर्फ एक हार्ट पोस्ट कर देना कुछ मत बोलना सो so दैट मुझे हौसला हो, हो जाए कि मेरी वीडियो को किसी ने पसंद किया है तो आपका जो एक हार्ट है वो मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ और अगर आपको किसी और तरीके का वीडियो चाहिए मेरी तरफ से तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा मैं डेफिनेटली उसको क्रिएट करूँगी आप लोगों के लिए एंड आई होप यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दन टेक केयर